हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो देख सकते हैं हमारे पीछे जो कंस्ट्रक्शन चल रहा था, जो गंगा एक्सप्रेसवे का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है यूपी का, जो नितिन गडकरी जी के द्वारा चल रहा है अभी। सो उसी का अपडेट देते हैं आपको। वीडियो बने रहेगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत मेहनत लग रही है क्योंकि बारिश हो रही है, तो पूरी मिट्टी वाली रूट है। आप देख सकते हैं पीछे पूरा मिट्टी मिट्टी, तो कीचड़ उचड़ से बहुत बस के आना पड़ गया। बहुत मेहनत लगी आने में इधर तक, इतना यहाँ तक। तो वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा और ज़रूर लाइक करिएगा वीडियो को, और कमेंट करके बताइएगा जो भी जानकारी आपको अगर दे सकेंगे तो देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और ये देख सकते हैं, ये जस्ट एक्सप्रेसवे के बगल से ये पत्थर की रोड बनाया गया है, पत्थर का जो लोहे के जाली से इंटरलॉक किया गया, इसको देख सकते हैं। तो जैसा भी कुछ उसका इसके बारे में पता चलेगा तो आपको वीडियो नेक्स्ट वीडियो में अपडेट मिल जाएगी। और इधर देख सकते हैं मिट्टी डाली जा रही है, जो भी मिट्टी बह गई थी बारिश के कारण, तो उसको सही किया जा रहा है। और ये आपका एक्सप्रेसवे जो कि इतना भी तैयार हुआ है यहाँ तक, और सेगमेंट बनाया जा रहे हैं वहाँ पे भी, और पिलर भी बनाए जा रहे हैं। जैसा देख सकते हैं वो वर्क है, काफ़ी जल्दी कम्प्लीट होने वाला है क्योंकि अभी कुंभ मेला आने वाला है जो, और इसको उसके पहले कम्प्लीट करना पड़ेगा। और क्योंकि बहुत श्रद्धालु आते हैं लाखों करोड़ों की तादाद में, तो बहुत हेल्प मिलने वाली प्रयागराज को इस एक्सप्रेसवे जो बन रहा है इसके कारण। सो टाइम भी बचेगा लोगों का, और जो 2-3 किलोमीटर एक्स्ट्रा घूम के जाना पड़ता था तो वो बचेगा लोगों का टाइम के साथ, फ्यूल भी। और बहुत अच्छा वर्क हो रहा है, और इस तरह होना चाहिए पूरे यूपी में और पूरे इंडिया में ही होना चाहिए, खासकर हर जगह। यही उम्मीद है कि ऐसे काम चलता रहे और जल्दी से सब डेवलप हो जाए। सो आगे चलते हैं, अभी वीडियो में दिखाते हैं आपको स्टार्टिंग से, वहाँ से जैसे आए थे हम लोग। तो चलिए वहाँ से ही स्टार्ट करते हैं वीडियो, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। बारिश के कारण देख सकते हैं पूरा गड्ढा भर गया, दलदल बन गया है, पानी से भर गया पूरा ये। देख चलते हैं आपको पूरा दिखाते हैं आगे तक का वर्क। देख सकते हैं आगे वर्क हो रहा है, जूम करके दिखाते हैं। तो ये जो देख सकते हैं पिलर का काम हो रहा है, पिलर बनाया जा रहा है इधर। और यहाँ पे काफी मिट्टी डाल के ऊंची कर दी गई है इसको। Thank you.
ये बगल में ही देख सकते हैं पत्थर का रोड बनाया गया इंटरलॉक करके उसको लोहे की जाल से। और जो भी उसका अपडेट आएगा आपको देंगे वीडियो में आगे। लेक चलते हैं आपको आगे तक दिखाते हैं और फुल डिटेल में। वीडियो को स्किप मत करिएगा, फुल वीडियो देखिएगा। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। देख सकते हैं इतनी मेहनत कर रहा है आपके लिए। कीचड़ में गाड़ी फंस जा रही है तो बहुत मेहनत लग रही है वीडियो बनाने में। तो हमारे भाई इनका भी यूट्यूब चैनल है प्रयागराज ऑफिशियल अपडेट, तो इनका भी लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। इनके वीडियो जाकर चेकआउट करिए, अपडेट रहते हैं हमेशा, इनकी वीडियो रेगुलर डलती है तो ज़रूर चेकआउट करिएगा। तो हम लोग चलते हैं आपको आगे तक दिखाते हैं और वीडियो को लाइक करिए। जो ही चलते हैं अरे बाबा, तो देख सकते हैं मिट्टी गिराई गई भी ताज़ी ताज़ी और बारिश के कारण बहुत ख़राब हो गया इधर का रास्ता। और देख सकते हैं सामने जेसीबी देख सकते हैं इतना मिट्टी के कारण टायर फंस गया है इसका। ये फंस रही है और ये दरिया फंस रही है, देख सकते हैं कितनी मुश्किल से जा रहे हैं उधर आगे तक। देख के तो ऐसा लगता है कि बस पलट जाएगी। हम लोग काफी करीब आ चुके हैं और पुल के बारे में बताएं तो अगर आपको नहीं पता हो तो ये प्रयागराज बेली से शांतिपुरम तक जाएगी यहाँ से और उसके आगे मेरठ के लिए ये रूट जाएगा। तो यूपी का है बहुत बड़ा प्रोजेक्ट अभी जो चल रहा है नितिन गडकरी जी के द्वारा। ये आपका एक्सप्रेसवे जो कि इतना भी तैयार हुआ है यहाँ तक और सेगमेंट बनाया जा रहे हैं वहाँ पे भी और फिलर भी बनाए जा रहे हैं, ढेर सारे देख सकते हो वो।